जैसे आप लांडी जेल में थी या सेंट्रल जेल में? अरे मैं क्यों जेल जाने लगी, मैं कौन सी दुकानों में चोरियां करती पकड़ी गई हूँ? और बात सुन ले कान खोल के, मैं ये बादी हंडिया नहीं खाने की सीने पे धरी रहती है। पूरी पतीली और 6 रोटी कैसे धर लेती हैं आप? मैं तुम्हारे से सिर्फ ये जानना चाहती थी कि वो कहीं जोया के साथ टाइम पास तो नहीं करा, सीरियस तो है ना वो? कैसी बातें करती हो, नायल को जानती हो तुम अच्छी तरह, उस तरह का लड़का नहीं है। तो सिर्फ तुम ही इस किस्म के हो। क्या मतलब किस किस्म का? शादी से भागने वाले टाइम पास टाइप। आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़े जोया, लेकिन इस तरह के एटीट्यूड के साथ नए रिश्ते नहीं बन सकते। और मुझे भी अफसोस है कि उस आवारा लड़के के सामने तुम्हें अपनी ही कजन झलक तक ली है। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। हाय, कैसे हो? बस आपकी बददुआ से बिल्कुल ठीक हूं। मैं क्यों दूंगी तुम्हें बद्दुआ? बद्दुआ नहीं दी तो दुआ भी तो नहीं दी। कोई काम नहीं हुआ मेरा आज तक, कुछ करो ना यार। मैं क्या करूँ नायल, वो एक जिद्दी लड़की है। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो एक दफा नाराज हो जाए तो सालों तक नाराज रहती है। सनकी है थोड़ी सी, क्या करूँ। ये बात तो तुमने मुझे बताई नहीं थी कि वो पागल है। मैंने कब कहा वो पागल है? तुम्हारी नहीं बनी उसे, अब मेरी भी क्या खराब करवाओगे? निमरा कुछ करो ना यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं क्या करूँ अब, वो कुछ बताए तो मैं कुछ करूँ ना? तुमने पता नहीं उसको क्या कह दिया, वो बात ही नहीं करना चाहती। मैंने कुछ नहीं कहा। तो किसने कहा है? मैंने कहा है क्या? यार अम्मी ने। अम्मी ने? क्या मतलब अम्मी ने? वो असल में मैं वॉशरूम में था और उसकी कॉल आई और अम्मी ने उठा ली। और क्या? और उन्होंने उसको रिमशा के बारे में बता दिया, और उसके बाद फिर ये भी बता दिया कि मेरी और रिमशा की शादी होने वाली है, और जो जो वो बता सकती थी उन्होंने बता दिया क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। तो बस तो बहुत बड़ा मसला हो गया नायल। I really don't think अब कुछ हो सकता है। यार ऐसी बातें तो नहीं करो यार, कुछ तो हो ही सकता होगा। तुम खुद ही सोचो, वो तो तुम्हारे से पहले ही नाराज थी। अब तो हद ही हो गई है। I guess उसको लगता होगा तुम एक दफा और उसको बेवकूफ बना रहे हो। मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? अब ये तो तुम जानते हो या मैं जानती हूँ? वो तो नहीं जानती ना। अच्छा मुझे देर हो रही है, ऐसे नहीं आना, मैंने चेंज भी करना, हमने कुछ शॉपिंग करने जाना है। तुम परेशान मत होना, मैं कुछ करती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके देवर जी, नो प्रॉब्लम, बाय बाय। मखसूस साहब, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आप इस मसले को कोर्ट के बाहर ही देख लें। आप तो जानते हैं अपने कजन को। मैं कानून के जरिए अपना हक हासिल करना चाहता हूं और मैं हक में हूं, आप मुझे ये मशवरा दें। वकील होते ये मशवरा मुझे दे रहे, मैं तो हैरान। ऐसी बात नहीं है मखसूस साहब, आप मेरे भाइयों की तरह हैं। आप इन कोर्ट कचहरी के चक्करों को नहीं जानते। ये कानूनी चारा जोइयां इंसान को ले डूबती है। और आप एक शरीफ इंसान, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दे। लाश तो मैं बहुत खुश हूँ। खुश क्यों नहीं होंगी, आपकी बहन की बेटी जो आ रही है। अरे सिर्फ बहन की बेटी नहीं, मेरी बहू भी आ रही है घर में ना। हाँ भाभी जान, दिल्ली दिल में निकाह भी सोच लिया आपने? हाँ। अच्छा सुनो, ये बेडशीट बिछा दूँ? मैं तो कहती हूँ इतना सर ना चढ़ाए, पागल ही ना हो जाए लड़की कहीं। भाई ये ना सोचे ना कि कोई कमी कसर रहेगी, आखिर कोई इसी घर में रहना है ना। तभी तो कह रही हूँ, ये ना हो बाद में दिमाग दिखाए फिर आप कहाँ जाएंगी। अरे तुम्हें क्या है भाई, बहुत ही नेगेटिव सोचती हो। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बिल्कुल सीधी सादी सी, कहना मानने वाली, इशारों पे चलती है। सारी जिंदगी मैंने भी गुजारी, मैंने तो नहीं देखी कहीं इतनी सीधी सादी अल्लामिया की गाय लड़की बिल्कुल। है तो मेरी बात का यकीन करो, तुम मिलोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो 100 लड़कियों में से एक लड़की पसंद करूँ नायल के लिए, और वो ये ऐसे नहीं पसंद की मैंने, अच्छी लड़की है।
मैंने कब कहा बेवकूफ अच्छी खासी अकलमंदी है। अच्छा सुनो, ये वाली बेडशीट वैसे प्रिंटेड है, बिछा भी दूं या नहीं? ठीक है, बिछा लें भाई। अरे तुम्हें क्या है, तुम सही मशवरा क्यों नहीं दे रही हो? क्यों आपको मुफ्त मशवरा दूं, आजकल कुछ भी मुफ्त नहीं होता बिला वजह। अल्लाह कितनी चलाक औरत है। चलाक नहीं हूँ मैं, सीधी सादी सी हूँ। ला अच्छा दे, बिछवाए तो सही ना, क्या हो गया आप? भाई जरा जल्दी कर दो यार, कसम खुदा की काम जल्दी हो जाएगा, ट्राई तो करो। ओ भाई दो हाथ है मेरे। सबके दो हाथ होते हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, मैं कौन सा मकड़ी हूँ आठ हाथ वाली। अच्छा मजाक कर ले तो यार, मजाक से भी वक्त ही जाया होना। सुना है भाई जी की दुकान पे फड्डा हो गया था, थाना कचहरी, सब खैरियत तो है? कमाल है, सब कुछ पता है लेकिन पूछोगे दोबारा मुझसे और सिर्फ हाँ हाँ ही करोगे। और वैसे भी अगर थाना कचहरी हुई है तो खैरियत कैसे हो सकती है? ये भी सही कह रहा हूँ यार, मैं ही ठीक कह रहा हूँ, अब काम जरा जल्दी कर लो। ये भी अच्छा, ये सामने गाड़ी खड़ी है तुम्हारी है? कौन सी? तो भाई सामने जो खड़ी हुई है। नहीं भाई मैं पैदल आया हूँ यार। खैर ये लो सामान। और ये अपने बकाया पैसे, ठीक है भाई? कमबख्ती मारे खिदमत ही कराया जाएगा, ये मुंह से कुछ फूटेगा भी। तेरी कहानी में तजस्सुस ना होता ना तो एक सेकंड तेरे सामने ना खड़ी होती। मैं भी आ रहा था तो एक गाड़ी मेरे पीछे लग गई थी। तो ये कौन सी बड़ी बात? मैं भागा तो वो भी तेज से चलने लगी, मैं रुका तो वो भी रुक गई। आए हाय कमबख्ती मारे, तू गाड़ी का रिमोट हो गया क्या? इसीलिए नहीं बता रहा था, अब मजाक उड़ाती मेरा। हाँ तो मजाक की तो बात है, हमारे पीछे तो आज तक कोई नहीं लगा। शुक्र करे नहीं लगा, मैं तो भाग गया, आप तो पहली गाड़ी में पकड़ी जाती। बकवास ना कर, तेरे से ज्यादा तेज भाग सकती हूँ। अब ये सौदा लेकर आया, दो घंटे से गायब है, चल जल्दी से खाना पका, नारियल को भूख लग रही है। बातें बनाता झूठी कहानियां, झूठा कहीं का ना हो तो पता तो करना पड़ेगा कि आखिर वो कौन था, ये कौन थी। हाँ ये तो है। अच्छा नायमा मैं तुझे फिर बाद में फोन करती हूँ। हाँ आ जाएगी रिमशा तो बता दूंगी। ठीक है खुदा हाफिज। कैसी तबीयत है? ठीक है। अच्छा कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। बाहर से आया हूँ, कितनी बार बताओ। चाय बनवा दूँ आपके लिए? एक मिनट इख्तियार। जी मालकिन। अरे तू यही मौजूद रहता है कि सर पे हमारी बातें सुनता रहता है? अरे अब आप लोग कोई काम की बात ही नहीं करते, हर रोज फजूल सवाल आते करते रहते हैं। अच्छा चल जा, चाय बना के ला, साहब के सर में दर्द है। देख सुनिए मैं सर दबा दूं आपका? पागल हो गई हो क्या? कोई बात बुरी लगी आपको मेरी? यार रिमशा का आना बुरा लगा? ऐसे गर्मी है, बाहर से इंसान आता है थका हुआ, चाय पीऊंगा आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। चले ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि दरवाजा बंद कर देती हूँ, आप आराम से सो जाएगा, चाय पी के और सो जाइएगा सुकून से, ठीक हो जाएगा। मैं भिजवाती हूँ अभी चाय। रिमशा को कौन लेने जा रहा है? नायल गया ना उसे लेने के लिए, अब तक तो जहाज लैंड भी कर गया होगा। मैं अभी आपको भिजवाती हूँ चाय, ठीक है?
आपने बेल्ट नहीं लगाई। शेफ अल्केमिस पे कौन बेल्ट लगाते हैं? सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने? ओ अच्छा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं? जी मैं ठीक हूँ। वो आपने पूछा ही नहीं। मैंने अभी तो पूछा कि आप कैसी हैं? नहीं नहीं आपने कुछ और नहीं पूछा, यही कि मेरा सफर कैसा गुजरा। कैसा रहा आपका सफर? बहुत ही अच्छा। आपको पता है? क्या पता? यही कि मेरा ना ये जहाज का पहला सफर था। नाइस। यस। वो आपसे एक बात पूछूं? आप ही पूछ रही हैं, पूछे। वो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं? नहीं नहीं वो मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? क्यों, मैं फौज में हूँ, आप मुझे रैंक से बुलाएंगी? आप बड़ी फनी बातें करते हैं वैसे। सिर्फ तभी करता हूँ जब मेरे साथ भी फनी बातें कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक बात को माइंड तो नहीं करेंगे? माइंड क्यों करूँगा? अच्छा आसपास ना किसी बेकरी पे रोक लें, सिर्फ 5 मिनट। हाँ बेकरी पे? टाइम भूख लग रही है आपको? नहीं नहीं आप रोक देना। बिक्री तो आने दे। आरिफ आपको कुछ चाहिए था? नहीं लेकिन ये फूल किसने रखे हैं? जी मैंने रखा था। तुमने? बिलाल साहब ने कहा था। बिलाल साहब कौन? बॉस के बेटे, आपको वेलकम करने के लिए कहा था। एक हफ्ते बाद? जी। अच्छा ठीक है तुम जाओ। आरिफ बात सुनो। जी। तुम्हारे घर में कौन कौन है? अम्मी है, 2 छोटे भाई हैं, अब्बू का इंतकाल हो गया। अच्छा ये लो अम्मी को दे देना, वो खुश हो जाएंगे। ये लो। लेकिन ये तो आपके लिए। तो मैं ही दे रही हूँ, ले लो। थैंक यू। क्या जरूरत थी रिमशा? नहीं नहीं अम्मी ने कहा था कि खाला जी के घर जा रही हो, केक लेकर जाना। खाला जी की बर्थडे आज? बेबी बनी, आप क्या हमेशा ऐसे ही मजाक करते हैं? नहीं जी, जब मेरे साथ होता है मैं सिर्फ तब करता हूँ। अच्छा ओके
ओहो, इतना टायर्ड गया। कहाँ गया? मतलब फ्लैट हो गया, पंचर हो गया टायर। ओह, मैंने समझा पता नहीं कहाँ चला गया। हेल्प करो ना थोड़ा सा। क्या हेल्प करूं यार? क्या हेल्प करूं? अच्छा है। हेलो हेलो हसन। हाँ क्या हुआ, उठा लिया मंगेतर को? बकवास नहीं कर रहे यार, कहाँ है तू? यार मैं एनिमल से शॉपिंग क्यों? यार वो गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, मुझे अभी याद आया कि वो तो चप्पी मैंने बनने दी थी, मैंने उठाई नहीं। तुम लोग प्लीज रिक्शा को घर छोड़ दो, मैं ये गाड़ी बनवा के आ जाता हूँ। अच्छा यार, वो नाइल की गाड़ी खराब हो गई, जाना पड़ेगा। ओके हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, ओके बाय। अब क्या होगा? कोई मसला नहीं, मेरा दोस्त आ रहा है, वो आके तुम्हें ले जाएगा। बस जल्दी आ जाए, आइसक्रीम केक है ना, इसकी लस्सी हो जानी। तुम बाहर नहीं आना, बहुत खतरनाक जगह है। आप तो अंदर आ जाए। देर हो गई, पता नहीं बच्चे कहाँ रह गए, घूमते फिरते आ रहे होंगे। हाँ सोचिए, फोन करती हूँ जाके। कोई जरूरत नहीं भाभी जान आपको कबाब में हड्डी बनने के, और वैसे भी खाने का वक्त तो गुजर ही गया, और वक्त गुजर जाए ना तो मैं तो भूख ही मर जाती। ठीक तो कह रही हूँ। अब मकसूद जब से आए हैं पता नहीं वो भी सो रहे हैं, सोए चले जा रहे, पता नहीं। खैरियत? मुझे लग रहा है कुछ परेशान है वो। वैसे भाभी जान आखिरी दफा ना मैंने भाईजान को बस उनकी शादी पे परेशान देखा था। भूख नहीं बर्दाश्त होती मुझसे बिल्कुल भी, मैं कुछ खा लूं? खा लो। और कैसी हो रिमशा, कराची आके कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौसम है और इतने अच्छे लोग हैं। हाँ भाई लोग तो बहुत अच्छे हैं। पहली दफा आई हो? नहीं मैं बचपन में आई थी जब मैं 11 साल की थी। लेकिन वो सब तो भूल गई होगी ना? नहीं नहीं मुझे तो अभी भी याद है, हम बचपन में इकट्ठे खेलते थे। भला अच्छी यादें कौन भुला सकता है, नहीं? क्यों नहीं जी? जी 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 नहीं, तुमने बताया नहीं तुम बचपन से ही स्पोर्ट्समैन हो। कभी मौका ही नहीं मिला निमरा जी कि आपको बता पाता कि मैं बचपन से। अच्छा सॉरी वो ना मैं कह रही थी मुझे शॉपिंग का बड़ा ही शौक है, मैं ना सारा दिन शॉपिंग में गुजारती हूँ। मेरी दोस्तें मुझसे इतनी इम्प्रेस होती हैं कि तुम्हारे में क्या जबरदस्त क्वालिटी है। बात ही इम्प्रेस होने वाली है, वैसे ये क्वालिटी हमारी बेगम साहिबा। अच्छा फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं ना सुबह मॉल निकल जाती हूँ और फिर सारा दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और फिर वहीं पर खाना खाती हूँ, और फिर सारा दिन शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और फिर रात में आके घर पर खाना खा लेती हूँ। ये भी कोई बात हुई बेला, निम्रा तो रात का खाना भी वही खाती है। बस ठीक है, अब हम दोनों आपके ऐसे भाई के साथ जाएंगे। अरे नहीं भाई, नाइल के होते हुए मैं कौन होता हूँ भला तुम लोगों को शॉपिंग कराने वाला। क्यों नाइल? अम्मी की कॉल आ रही है, जरा मुंह बंद रखना और रोड पे नजर रखना। ओके। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अम्मी। जी अम्मी के बच्चे कहाँ हो तुम? अम्मी रास्ते में है, बस आ रहे हैं। उसे पिक कर लिया ना? जी जी पिक कर लिया, आप साथ बैठिए। माँ यहाँ परेशान बैठी है, तुमने इतनी देर लगा दी, खाना भी ठंडा हो रहा है। वो अम्मी पता है रास्ते में टायर फ्लैट हो गया था। हाय हाय कितनी बुरी बात है, पहले से ठीक करवा के रखना चाहिए था। रिमशा क्या सोचेगी? अम्मी अब टायर कब फ्लैट होगा ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना। रिमशा ठीक है ना? जी जी ठीक है, उसे क्या होना है। तमीज उसके सामने तो मत कहो। अच्छा फोन बंद करे, मैं बस आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। और अपनी गाड़ी का क्या होगा, वही खड़ी रहेगी क्या? जी जी वो एहसन का दोस्त का टायर बनवा के ला रहा है। ये सही है भाई, टायर भी चेंज करवाओ और ड्रॉप भी करो। अम्मी ये निम्रा कॉल से बात करती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
बेटा कभी घर का चक्कर भी लगाओ। हाँ आंटी मैं भी बहुत मसरूफ रहती हूँ, असल में ये भी लेट आते हैं ना तो कोई लाने वाला नहीं होता जब तक ये आते हैं। अच्छा भाई फिर भी किसी दिन तो आ जाओ। जी जी आंटी मैं जरूर आऊंगी। आप भी आए ना चक्कर लगाए आप नाई के साथ किसी दिन। हाँ हाँ क्यों नहीं। ठीक है ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज बेटा। अच्छा ओफो इस लड़के ने तो हद कर दी, बहुत ही देर लगा ली। इख्तियार चाय दिया जाके साहब को, ठीक से बनाई हो गिराना नहीं। अब शक्कर रहने दे, बहुत ही चीनी पीने, चीनी मत डाली हो, रहने दे जाके त्या। ये आपके लिए। क्या चमकदार सी चीज है। गरम शॉल। अरे कराची में पहना तो जली जाऊंगी। कोई बात नहीं जब नारायण का गान जाएंगी ना तो इसे पहन लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्लानिंग से तोहफे खरीदे ना, शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा। खुश है खुदा भी है तू जो मिली आज मन मेरा है गा रहा। मालिक चाय रख दो भाई मेज पे। पाकिस्तानी ड्रामे का बड़ा उदासीन चल रहा है, सब खैरियत तो है? तुझे और कोई काम नहीं है, है? खाना पक चुका है, आपकी बहन साहब एक चक्कर भी लगा चुकी हैं, मालकिन नायल भाई का इंतजार कर रही हैं, मेरे सारे काम हो गए, अब बताएं सब खैरियत है? हाँ, खैरियत है भाई, चाय पकड़ा ना। मालिक आज मैं बहुत परेशान हूँ, एक अजीब सा वाकया हुआ है मेरे साथ। आज मैं घर आ रहा था तो कोई गाड़ी मुझे पीछा करते करते घर तक आ गई थी। हम्म? मैंने पप्पू को बताया था लेकिन वो तो मेरा मजाक ही उड़ाने लगे। कौन थे? अरे ये पता होता तो मेरी जिंदगी सुकून में नहीं आ जाती, बस सोच सोच के थक गया हूँ कि कौन थे आखिर वो लोग। तुमने ये बात किसी से की है? मैंने पप्पू को बताई, आपको बताई, और पता नहीं मालकिन को पता है कि नहीं पता है। बहरहाल जिस किसी से भी की मजीद किसी से नहीं करनी, समझ आई है? तेज मुझे सच सच बताएं सब खैरियत तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग की कोई पुरानी दुश्मनी हो और नायल भाई समझ के कोई मुझे अगवा कर ले। मैं बता रहा हूँ मैं आज के बाद से बाहर सौदा लेने नहीं जाऊंगा, आप लोग महीने का सौदा खुद लेकर आएंगे। बात सुन, मैं इसलिए तुझे कह रहा हूँ कि ये बात नायल के कानों तक नहीं पहुँचनी चाहिए, वैसे ही परेशान होगा। ले रहा अच्छा, मैंने खामखा ऐसी कहानी बना ली। खैर छोड़ें, आप चलें खाना खा लें। कि दिन का खाना है कि रात का है? मेहमानों की वजह से खाना लेट हो गया था, और वैसे भी खाना तो खाना होता है, आप पाकिस्तानी होके इतने घबरा रहे हैं। बादशाह सलामत, कुछ वजीरों से भी सीख लें। बड़ी जबान चलती है मानसे तेरी, पुराने जमाने में होता ना कोई बादशाह तेरी जबान कटवा देता है। अरे बेशक कटवा दे, परवा किसको है, बस आप इस तरह ना खुश रहा कीजिए। अब जल्दी से चाय पीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ, नायल और भाभी भी आने वाले होंगे। चलो भाई हो गया, अब कहें तो सामान भी उतार दें। सर उसूलन तो तुम्हें यही करना चाहिए, इतने पैसे किस बात के ले रहे हो तुम? क्या मतलब? हाँ मेरी कॉलेज की दो फ्रेंड्स भी यही कहती थी कि आप पिक एंड ड्रॉप वाले अंकल लगते हैं। शट अप निमरा। बात ही, आप कॉलेज में भी पिक एंड ड्रॉप देते थे? बताओ भाई। वो मजाक कर रही हैं, उनकी दो दोस्तें भी मजाक कर रही थी जी, और ये पिक एंड ड्रॉप नहीं दे दे रही। थैंक यू। अच्छा खैर, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू रिमशा, घर चक्कर जरूर लगाना। हाँ जी जरूर। नाइल से कहना तुम्हें लेके आएगा, है नाइल? जरूर। आपने भी जरूर कहा और मैंने भी जरूर कहा। चले थैंक यू सो मच एहसन भाई और निमरा भी। You're welcome. Love is...
इज्जत दे रही होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत, वो भी तो तुम्हारे दोस्त मुझे निम्रा निम्रा कहते, इसको क्या पड़ी है आपकी। ए भाई आप ही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आपको फ्लावर्स पसंद नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आपने प्यून को क्यों दे दिया? क्या आप अपने पूरे ऑफिस की ऐसी खबर रखते हैं? जाहिर है रखनी पड़ती है। तो क्या आप हर नए आने वाले को ऐसे फूल भिजवाते हैं? नहीं नहीं ये तो नए आने वाले पर डिपेंड करता है। ऐसे आपको तो खुश होना चाहिए मैंने आपको फ्लावर्स दिए। थैंक यू। आपके यहाँ थैंक यू ऐसे किया जाता है? मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में थैंक यू ऐसे कहते हैं। Anyways, I'm off. आप मुझे जानती हैं ना? हाँ, जानती हूँ। आप इस फर्म के मालिक के बेटे, एक्चुअली मालिक ही हैं। किस तरफ जा रही हैं? मेरा नहीं ख्याल से मैं आपके रास्ते में आती हूँ। थैंक यू एनीवेज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बात को इतना लंबा करने की क्या जरूरत है यार निम्रा? बात ये नहीं है, बात ये है कि तुमने अभी तक क्यों नहीं कुछ कहा। अगर तुम्हें 1% भी शक है ना कि मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ, तो जाके मेरा और अपना बेफॉर्म चेक कर लेना। अच्छा यार ऐसा मैंने कब कहा है यार निम्रा? कहा तो नहीं, सोचा तो होगा। तुम्हें कैसे पता मैंने ये सोचा है? मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? बीवी को शौहर की हर बात का पता होता है। या कोई और है जो बेहतर जानती है? अभी तो मेरा कोई सीन नहीं है तो तुम इतना शक करती हो, अगर होगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा मतलब सीन हो सकता है। अच्छा ओके। अरे निम्रा मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोचना भी मत, तुम्हें पता है ना तुम्हारी सोच मुझे फौरन पता चल जाएगी। ओके मार्केट चलें या घर? मार्केट। कहीं बाहर हो? हाँ बोलो। नहीं मैं सोच रही थी आज काम जल्दी खत्म हो गया, डिनर के लिए चले? ट्रीट मेरी तरफ से। हुँ? तुम्हारी तरफ से क्यों? क्योंकि मैंने ऑफिस की ट्रीट नहीं दी अभी तक। पागल हो गई हो, तुम हमारे शहर में हो, हम तुम्हें ट्रीट देंगे। बल्कि आज तो तुम्हारे एहसन भाई ट्रीट देंगे। ठीक है कहाँ चले? जहाँ तुम कहो, जिस जगह का नाम लोगी वहां जाएं। बस ऑफिस से निकल रही हूँ अभी। तो हम तुम्हें पिक कर लें क्या? नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं, बस घर पहुंचो जल्दी से। ओके अच्छा चलो ठीक है हम पहुंचते हैं। ओके बाय। अभी हम कहां जा रहे हैं? मार्केट जा रहे हैं और कहां? एहसन खान गाड़ी घर ले चलो। ओके आज मेरा दिन ही खराब है। भाई मैं तो आज बहुत खुश हूँ। खाला जान मुझे भी कराची आके बहुत खुशी हो रही है। आप लोग को इतना खुश देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। भाई बढ़िया नहीं पकड़ा। निम्रा मेरे आते हुए कोई परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? नहीं खालू जान, वो नाइल के होते हुए कैसी परेशानी? नाइल ना हुए सुपरमैन हो गए। हाँ हाँ तो मेरा बेटा किसी सुपरमैन से कम है क्या? अरे कम नहीं ज्यादा है, बगैर लाल कपड़े हवा में उड़ते हैं। वैसे रमशा जी ये हमारी फूफो हैं, थोड़ी खामोश तबीयत की हैं, खास तौर पर जब खाने की प्लेट सामने हो ना बिल्कुल नहीं बोलती। देख रहे भाई जना ये बदतमीज कमबख्त हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। अरे मैं क्यों नजर लगाऊंगा, और वैसे भी आपका दूसरा टोकन चल रहा है। तुझे से क्या दूसरा हो चौथा हो चुप कर।
मतलब कि अभी चौथे का भी इम्कान है? तो मैं खाना फिर चूल्हे पे ही रखे रहने दो। अरे नहीं भाई दुल्हन, मजाक कर रहा, आप क्यों उसको सीरियसली ले रही? मुझे नौकरों से मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। खालू जान, आप ऑफिस कब जाते हैं? नहीं बेटे, ये अब ऑफिस नहीं जाते। क्यों? रिटायर हो गए अभी। ओ अच्छा अच्छा, फिर तो देर से जाते होंगे। रिटायर हो गए बेटा ये। अच्छा अच्छा। बेटा चावल नहीं ले रही हो? नहीं। क्यों नहीं ले? आप कहते हैं तो ले लेती हूँ। नायल चावल दो ना रिमशा। अब मैं ले। और जी, और जी, आप ऐसा करें कि ट्रे आप रख लें और प्लेट हम लोगों को दे दें। अरे बेटे इसकी बात का बुरा मत मनाना, इसे तो मजाक करने की आदत है बस। मैं जानती हूँ खाला, इनकी बचपन से मजाक करने की आदत है। मुझे याद है बचपन में मुझे पागल पागल कहते थे। उस वक्त मैं सीरियस था। गॉड, दिल गुम हो गया। ओके। बिल्कुल हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन की तरह लग रहा है। ये आपके लिए। क्या चमकदार सी चीज है, गरम शॉल। अरे कराची में पहना तो जली जाऊंगी। कोई बात नहीं, जब नारायण का गान जाएंगी ना तो इसे पहन लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्लानिंग से तोहफे खरीद लेना। शुक्रिया बहुत बहुत तुम्हारा। खालू ये आपके लिए। मेरे ये क्या है? ये सिगरेट और सिगरेट के फिल्टर। मैं तो पीता नहीं हूँ। कोई नहीं, जब पियेंगे ना तो इसे यूज कर लीजिएगा। चलो अगले जन्म में काम आएंगे। और खाला जान ये आपके लिए सिंधी कढ़ाई वाले गले। वाह क्या बात है मानसी, पंजाब से सिंधी कढ़ाई वाले गले लेके आई है तुम्हारे लिए। अरे भाई ये तो ऐसे ही है जैसे मतलब मुल्तानी हो, लाहौरी हो, सिंधी हो, इसका इसका ऐसे रिवाज है, कोई बात नहीं है। और इख्तियार भाई ये आपके लिए। अरे गरम टोपी, आपको कैसे पता मुझे इसकी जरूरत थी? बस देख लें आप। तू भी मेरे साथ नारायण का गान चलना। इसमें क्या है? इसमें नायल के लिए तोहफे। अरे पता नहीं नायल कहाँ है, जरा बुलाना। अरे रहने दे भाभी जान, देर से आने दे, इसमें भी सर्दियों के आइटम ही होंगे, कोई बात नहीं कभी भी ले लेगा। बेटे इस घर में सबको मजाक करने की बहुत आदत है, तुम परेशान मत होना। जी खाला मुझे भी मजाक की आदत है। तुम्हारे तोहफों से अंदाजा हो रहा है। तू क्या खड़ा दांत निकाल रहा है, जा जाके बुला के ला नायल को। तेरा तो घुटने जल गया।
शुक्रिया भाई। बहुत प्यार। मालकिन बुला रही है आपको, बड़े तोहफे आए हैं आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। तो मैं उनको जाके क्या कहूं? उनको बोल दो मेरी तबीयत खराब है। ठीक है मैं बोल देता हूँ। हाँ लेकिन पता है उसके बाद होगा क्या? सब लोग आपके कमरे में आ जाएंगे, कोई आपका हाथ दबाएगा, कोई गर्दन, कोई सर, सिर्फ बुखार चेक करने के लिए, लेकिन कोई थर्मामीटर लगा के चेक नहीं करेगा क्योंकि वो तो घर में ही नहीं है। हाँ रमशा भी जरूर आएंगी और वो हो सकता है सारी रात आपके माथे पर ठंडे ठंडे पानी की पट्टियां चलती रहे। बोल दूं जाके? मैं क्या करूं यार? मैं बताता हूं आपको, मैं उनको जाके बोलता हूं कि वो आ रहे हैं, लेकिन आप आ जाइए क्योंकि अगला सीन फिर यही होना है। बोल दूं? बकवास है यार। कॉल। हाँ हेलो। हाँ निम्रा। हाँ जोया, कहाँ हो तुम? हम तो पहुँचने वाले घर। मैं ऑफिस के बाहर ही हूँ, आज अजीब सी बात है, ना कोई टैक्सी है ना कोई रिक्शा है। उफ, मैंने तुम्हें कहा भी था हम पिक कर लेते हैं, तुम बात ही नहीं सुनती। मुझे थोड़ी पता था वो। तो बताओ अगर कोई सीन नहीं है तो क्या हम दोनों पिक करें तुम्हें? नहीं नहीं इतनी दूर से कहाँ आओगे, लेकिन प्लीज ऐसा भाई से पूछना जरूर, मैंने उनसे कहा था ना कि पिक एंड ड्रॉप को देख लें। हाँ हाँ मैं बात कर लूंगी, लेकिन वो तो बाद की बात है ना, अभी का मैं पूछ रही हूँ, अभी का बताओ। मैं देखती हूँ, 5 मिनट वेट करती हूँ, कुछ नहीं होता तो बताती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, ओके बाय। क्या कह रही थी? वो कह रही है 5 मिनट तक बताइए, अभी कुछ हुआ नहीं, वहाँ ही है। मेरे एक दोस्त को कहा भी था हम पिक कर लेते हैं, बात ही नहीं सुनती, शी इज सो स्टबर्न। हाँ तुम्हारी कजन है, क्या कह सकते हैं। क्या कहा तुमने? आई लव यू। आई हेट यू। आई स्टिल लव यू। आई लव यू टू। जोया आजा मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। खाना पीना ही खत्म हो गया जब से यहाँ आई हूँ उसके होते हुए। आपका खाना पीना खत्म हो गया, यहाँ पे 1 माह का राशन खत्म हो गया, वो भी 7 दिन में। मैं खा गई? तूने भेज दिया होगा कम पैसों में। मैंने भेज दिया होगा? पप्पू माशाल्लाह से आपकी फराकी गामा पहलवान जैसी है। पप्पू आप पहलवानी भी करती है? देखें सब लोग देख रहे हैं, कहीं नजर ही ना लग जाए टिकन को। जल्दी से मुझे दे दे, वरना नजर लग जाएगी, मैं छुपा देता हूँ। मैं कौन सा उनके कहने पे शादी कर रहा हूँ? तुम किससे शादी कर रहे हो और किससे नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है क्योंकि मैं मौजूदगी